असलमैलैक्कुम वेवर्स आसे ब्रिज फूड में खुश आमदीद आज मैं आपके लिए लाई हूँ दो चटनियों की ऐसी लाजवाब रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी और रमज़ान की आमद आमद है हर घर के दस्तरखान में लाजमी छोले कचोरी चना चाट पकोड़े और स्नैक के साथ लाजमी सर्फ की जाती है हरी चटनी जब तक इन स्नैक के साथ हरी चटनी सर्व नहीं की जाए तो स्नैक खाने का मज़ा ही नहीं आता इस चटनी को बनाकर आप एक माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं ये मैंने एक अदद हरी धनिया की गड्डी ली है इसको मैं ऊपर से कट कर लूँगी इसकी डनठोल निकाल लूँगी हमें ऊपर से ज़्यादा नहीं काटना क्योंकि चटनी में इन डनठोल का भी जायका आता है इसको मैं अच्छे से पानी से करके साफ करके धो लूँगी धनिया के अंदर जो घास फूस होती है उसे भी निकाल लीजिएगा और धनिया की गड्डी हमेशा फ्रेश लीजिएगा इससे हमारी चटनी का जायका बहुत ही लाजवाब आएगा मैंने पाँच से अदद हरी मिर्च ली है छोटी हरी मिर्च ली है ये तेज़ होती है और दो अदद मैंने लहसन की कलियाँ ली हैं इसे बीच से कट कर लिया है और दो अदद मैंने टमाटर लिए हैं अगर आप स्पाइसी चटनी चाहते हैं तो वीवर्स आप मिर्चों की तादाद अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं अब इसमें धनिया डालूँगी आप इस चटनी को ज़रूर बनाइएगा इसे आप पकौड़ों समोसो चाट और स्नैक के साथ खाएँ तो बहुत ही जायका देगी अगर आप इसे चपाती के साथ भी खाएंगे ना वीवर्स ये बहुत ही टेस्टी लगेगी मैंने वन टी स्पून सफ़ेद जीरा का डाला है और नमक हंसबी जायका लीजिए टमाटर को मैं इसको इस तरीके से रफली काट लूँगी चटनी के अंदर मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी क्योंकि टमाटर आपका अपना पानी होता है इसी में ही हमारी चटनी अच्छे से ब्राइन हो जाएगी ये देखें वीवर्स हमारी चटनी अच्छे से ब्राइन हो गई है ये देखें अब इस पॉइंट पे आकर मैं इसमें एक अदद नींबू निचोड़ूंगी इसकी वीडियो गलती से मुझसे स्कीप हो गई है अब ये देखें ये हमारी टमाटर की हरी भरी चटनी बिल्कुल रेडी है आप इसको समोसे कचोरी के साथ इस्तेमाल करें चाट के साथ इस्तेमाल करें चपाती के साथ खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगेगी आप इसे बनाकर एक महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं और इसका ज़ायका तो बिल्कुल ही लाजवाब है आप टमाटर की चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अब हम अपनी दूसरी चटनी की तरफ आते हैं विवर्स मैंने एक अदद पुदीने की फ्रेश गड्डी ली है इसके मैं पत्ते इस तरीके से तोड़कर अलग करूँगी पुदीने की चटनी में हम डंठल बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि डंठल डालने से पुदीने की चटनी में कड़वाहट आ जाती है एक अदद मैंने हरा धनिया की गड्डी ली है इसकी हम ऊपर से डंठल काट लेंगे हम धनिया डंठल समेत ही डालेंगे क्योंकि चटनी में इसका जायका अच्छा सा आता है धनिया पुदीना को हम तीन दफ़ा पानी से अच्छे से हम नीट कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी डस मट्टी हो वो निकल जाए अब हम पुदीना डालेंगे पुदीने को अच्छे से हमने धो लिया है धनिया एड करेंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा वन टीस्पून स्पून लूँगी भरकर और इसमें हम डालेंगे पाँच से छः अदद साबुत लाल मिर्च मैंने पाँच अदद लहसन की कलियाँ ली हैं अब हम वो डाल देंगे अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें ये छः से सात आदद मैंने हरी मिर्च डाली है अब मैंने जो टमाटर की चटनी बनाई थी इस वीवर्स इसमें मैंने मिर्चें कम रखी थी और वो सिर्फ मैंने धनिया की बनाई थी अब मैं ये धनिया और पुदीना दोनों की बना रही हूँ और इसमें मैं डालूँगी आधा कप से कम पानी और नमक हंसवे जायका लीजिए ये देखें हमारी चटनी अच्छे से ब्राइंड हो गई है अभी हमारी चटनी की रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई अब मैंने तीन अदद लेमन ली है हम इसका लेमन का जूस डालेंगे लीम निचोड़ते वक्त हाँ। इस बात का ख्याल रखना है कि लींब के बीच हर्गीस ना जाएं अब मैं इसे चंद सेकंड के लिए और ग्राइंड कर लूँगी ये देखें वीवर्स लीमू डालते ही हमारी चटनी का कलर भी कितना अच्छा हो गया है अब मैं इसे प्याले में निकालती हूँ ये चटनी भी वीवर्स बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है आप इसे छोले पकौड़ों में चना चाट में डाल सकते हैं और दही भड़े में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस चटनी को एयर टाइट जार में डालकर एक महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं रमज़ान में पर स्टोर करते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा जिसमें आप स्टोर कर रहे हैं ना वो चीज़ बिल्कुल खुशक हो गीली नहीं हो कतरा पानी नहीं हो उसमें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए आप आसिया विलेज फूड को इजाज़त दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं अल्लाह हाफ़